आप ये कहेंगे कि जी बॉलिंग में बैलेंस, क्योंकि बैटिंग में तो आप देखते हैं बैलेंस है, इवन अगर बैक फुट के ऊपर जो है वो अच्छी जो है ना बैलेंस अच्छा है कि जो कंट्रोल है बॉल के ऊपर, आपकी जो एक्यूरेसी है, ये सारी चीज़ें आपकी बेहतर हो सकती हैं। बैक फुट पे लैंड करना है तो आपने अपनी पोजीशन को होल्ड करना है इन योर बॉलिंग पोजीशन। हेलो, मैं आपको मैं मास्टर क्रिकेट को चैनल में खुश आमदेद करता हूं। और आज की जो हमारी कोचिंग सीरीज़ की जो वीडियो है, इसमें मैं बॉलिंग के ऊपर आपके साथ थोड़ा सा अपनी थॉट शेयर करूंगा। और बॉलिंग में भी आपकी जो बैलेंस है, आप ये कहेंगे कि जी बॉलिंग में बैलेंस, क्योंकि बैटिंग में तो आप देखते हैं बैलेंस है, इवन फील्डिंग में भी आप देखते हैं कि आपने अब थ्रो करनी है, आपका बैलेंस ठीक होना चाहिए। लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो बॉलिंग के अंदर बैलेंस है। पहले बैक फुट पे अगर आपका बैलेंस है, अगर आपका बैलेंस ठीक है तो आपकी, और फिर उसके साथ ही फ्रंट फुट, बैक फुट लैंडिंग और फ्रंट फुट लैंडिंग के ऊपर अगर आपकी बॉडी का जो बैलेंस है वो अच्छा है, तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि आपकी पेस बढ़ सकती है, आपकी जो है ना एक्यूरेसी बढ़ सकती है, आपकी जो है स्विंग का जो कंट्रोल है वो बढ़ सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो रिलेट करती हैं बॉलिंग के अंदर, वो आपके बैलेंस के अंदर हैं। तो बैलेंस के अंदर सिंपल मैं ड्रिल आपके लिए लेके आया हूँ। इससे पहले भी आपने जितनी भी ड्रिल्स देखी हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ी स्पेस की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए इसी तरह आज जो मैं कर रहा हूँ, ये आप अपने ग्राउंड में भी कर सकते हैं, आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपको टाइम मिले। ये सिंपल जो है ना बैक फुट लैंडिंग के ऊपर बैलेंस की ड्रिल है, और फिर फ्रंट फुट लैंडिंग के ऊपर बैलेंस की ड्रिल है। ये ज़रूर आपको डेली बेसिस के ऊपर अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वीक में 3-4-5 दफ़ा आपको ये बिल्कुल करनी चाहिए। आपका अगर बैक फुट के ऊपर जो है वो अच्छी जो है ना बैलेंस अच्छा है, लैंडिंग में जब आपने लैंड किया है तो बैलेंस किया है, उसके साथ ही फिर आप जब फ्रंट फुट पे लैंड करते हैं तो दोनों जब बैलेंस होगा तो आपकी, मैंने जैसे पहले बता दिया है, आपकी जो है ना स्पीड के अंदर फ़र्क आ सकता है, बढ़ सकती है स्पीड, आपकी जो कंट्रोल है बॉल के ऊपर, आपकी जो एक्यूरेसी है, ये सारी चीज़ें आपकी बेहतर हो सकती हैं। तो सिंपल आपने क्या करना है जी, 1-2 स्टेप्स जो है ना आपने लेने हैं। और जब आपने इसको बैक फुट पे लैंड करना है तो आपने अपनी पोजीशन को होल्ड करना है इन योर बॉलिंग पोजीशन के अंदर जो है सिंपल। ये आप ये कितनी देर कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिंपल। फिर आप इसको पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 दफ़ा करें, 4 दफ़ा करें, 5 दफ़ा करें, जितनी दफ़ा कर सकते हैं। फिर आप इसमें, मैंने 1 स्टेप से किया है, आप थोड़ा सा इसको एडवांस भी कर सकते हैं कि आप 2-3 स्टेप ले के फिर आप अपनी पोजीशन को ये आप अपना होल्ड करके फिर आप जो है ना उसको दोबारा रिपीटेड कर सकते हैं। इसके अंदर आप जो सेकंड चीज़ है जो वो, ये तो बैक फुट पे था, बैलेंस है। अगर आप परफेक्ट खड़े हैं, अभी मेरा देख रहे होंगे, जैसे अभी मेरे कैमरा मैन ने दिखाया कि शायद मेरा पाँव थोड़ा सा वाइब्रेट कर रहा होगा, क्योंकि अभी मेरी इतनी प्रैक्टिस नहीं है। तो आपने भी यही चीज़ नोट करनी है। अगर आपकी जो है ना स्टेबिलिटी, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आप स्टेबिलिटी है, ये टांग भी जो है ना आपकी पूरी जो लेग है ये स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो इसकी लेग की ये एक किस्म की एक्सरसाइज भी है, बैलेंस भी बेहतर है। अब देखें, मैं अगर सेकेंड लेवल 2-3 दफ़ा किया, अब मेरी काफ़ी जो है ना वो बेहतर होती जा रही है। इसी तरह ये आपने डेली करनी है। अब इसके अंदर आपने थोड़ा सा और ऐड ऑन करना है। उस ऐड ऑन के अंदर जब आपने ये पोजीशन होल्ड की हुई है तो इसके अंदर आपने क्या करना है, फ्रंट फुट को लैंड करना है। जब फ्रंट फुट को लैंड करना है तो आपने इस पोजीशन के अंदर, और ये बैक फुट को आपने हवा में रखना है। और यहाँ के अंदर आप देखें कि आपने अगर अपना बैलेंस रख सकते हैं। मेरी जो है ना टांग वाइब्रेट कर रही है, मैं बड़ी मुश्किल से, क्योंकि मैं हैवी भी हूँ थोड़ा सा, तो इस यहीं से आपने फिर आहिस्ता 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 अपने टो को टच करना है। तो ये तो जी बैक फुट लैंडिंग के ऊपर बैलेंस और फ्रंट फुट के ऊपर जो बैलेंस था ये आपके साथ मैंने शेयर किया है। थैंक यू वेरी मच आपके जो है ना पसंद करने का वीडियोस को, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो के ऊपर, और माय मास्टर क्रिकेट कोच चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दूसरों को भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।